हेलो दोस्तों, बिहार जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है। दोस्तों तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, क्योंकि आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई? तो ये फतुहा नगर के अंदर स्थापित किया गया दोस्तों, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ मिली है? तो पटना के अंदर मिली है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो 1860 से 62 के बीच में माना जाता है रेल परिवहन का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे था दोस्तों, प्रथम रेलवे का नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ? तो किड्डल से आसनसोल के मध्य हुआ पहली रेल लाइन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, एक को छोड़कर वह है? तो मध्य पूर्वी रेलवे के द्वारा नहीं होता बिहार में रेल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, उसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार बिहार था? तो ये था दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जनसंख्या घनत्व बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो 1978 में स्थापित किया गया दूरदर्शन का केंद्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर के अंदर हुआ था दूरदर्शन का प्रथम केंद्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल जाने के लिए बिहार में किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो रक्सोल जो हवाई अड्डा है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है नेपाल जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 61.8% है साक्षरता दर बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में हुई थी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम है पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज है सबसे पुराना चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये समस्तीपुर के अंदर स्थापित किया गया है पहला कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, बिहार में शिक्षा का स्तर है? तो मध्यम है दोस्तों शिक्षा का स्तर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, इसके प्रकाशक कब प्रारंभ हुआ? तो 1874 में प्रारंभ हुआ था बिहार बंधु का प्रकाशन दोस्तों। तो दोस्तों अगर बिहार जी के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।